जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्रूज के बारे में जानेंगे। आप न्यूज में अभी सुन रहे होंगे कि क्रूज से शाहरुख खान के बेटा आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो आखिर ये क्रूज क्या है और भारत ने हाल ही में अपना स्वदेशी क्रूज को लॉन्च किया है और किसके द्वारा ये लॉन्च किया है, इस सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्रूज जो है एक जहाज को ही क्रूज के नाम से पुकारा जाता है। वह ऐसा जहाज जो समुद्र के रास्ते से होते हुए दूसरी जगह लोगों को यानी पर्यटकों को सैर कराता है। एक जगह से दूसरी जगह समुद्र के रास्ते से पर्यटकों को सैर कराता है और दुनिया की सारी सुविधाएं, सोना, खाना, बार, स्विमिंग पूल, थिएटर, सारी सुविधाएं उस जहाज में उपलब्ध रहती है। तो इस तरह की जहाज को क्रूज के नाम से पुकारा जाता है। जहाज की नाम अलग होती है लेकिन इस तरह की जहाज को क्रूज कहा जाता है। जिस तरह रेल में अलग अलग रुपयों की टिकट की अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध रहती है, उस तरह क्रूज में भी होते हैं। अगर आप रेल में जनरल की टिकट लीजिएगा तो आपको बस बैठने की सुविधाएं मिलती है, आप केवल बैठ सकते हैं। वही स्लीपर का टिकट लीजिएगा तो उससे थोड़ा ज्यादा पैसे लगते हैं लेकिन आपको बैठ भी सकते हैं, आपको एक सीट दिया जाता है, बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। वही उससे ज्यादा पैसे दीजिएगा एसी का तो आपको कंबल मिलेगा ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए बेडशीट मिलेगा, खाना मिलेगा। ये जिस तरह पैसे आप टिकट रेल के टिकट में लगाते हैं उस तरह की आपको सुविधाएं मिलती है। सेम उसी तरह क्रूज में भी जिस तरह आप पैसे लगाएगा उस तरह आपको सुविधाएं मिलेगी, दुनिया की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। जिस तरह आप टाइटेनिक मूवी देखे होंगे, टाइटेनिक एक जहाज का नाम था और वो भी जहाज एक तरह का क्रूज ही है, उसे क्रूज ही कहेंगे। दुनिया की सारी सुविधाएं उसमें याद होगी। शायद आपको टाइटेनिक तो याद नहीं होगा लेकिन टाइटेनिक मूवी में जो वो फिगर बना रहा था और वो किसका फिगर बना रहा था ये जरूर आपको याद होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं क्रूज क्या कहलाता है आपको समझ आया होगा। देखिए भारत ने भी अपना पहला स्वदेशी क्रूज को लॉन्च किया है। तो दोस्तों वो कौन सा क्रूज है, तो उस क्रूज का नाम है अग्रिया। अग्रिया क्रूज है जो 6 मंजिल का है और 131 मीटर लंबी है और इसमें दुनिया की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। स्विमिंग पूल, बार, खाना, थिएटर, रहना, सोना, सारी चीज इसमें उपलब्ध है और पहली बार इसको 20 सितंबर से मुंबई से लेकर समुद्र के रास्ते गोवा तक का ऐतिहासिक सफर इस क्रूज अग्रिय क्रूज के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत के जो भी तटीय इलाके हैं, जो सुंदर तटीय इलाके हैं, जैसे मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, है ना, कुची हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इस सब तटीय सुंदर तटीय इलाकों को पर्यटकों को सैर कराना इसका उद्देश्य है और पर्यटकों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ये श्रीलंका तक ही, ये जो अग्रिय है ये श्रीलंका तक भी ये समुद्र के रास्ते लोगों को सैर कराएगी। ये क्रूज जो होते हैं इंटरनेशनल और नेशनल भी होते हैं। इंटरनेशनल भी जो मतलब एक समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश में सफर कराते हैं और राष्ट्रीय जो होंगे जो केवल अपने देश में जो समुद्री इलाका है, जो समुद्री तट है उसमें सफर कराएंगे। तो ये जो क्रूज जो भारत के अग्रिय क्रूज है ये इंटरनेशनल क्रूज भी है जो भारत के जो भी समुद्री इलाका है, जो समुद्री तट है वो सफर कराए सैर कराएगी, साथ में श्रीलंका भी आपको सफर कराएगी। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये IRCTC के द्वारा, जिसके द्वारा हम रेल की टिकट बुक करते हैं ये भी IRCTC के द्वारा आप इसका टिकट बुक कर सकते हैं। IRCTC का मतलब होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसने अंतरराष्ट्रीय क्रूज एक है जिसका नाम है कैडरिया क्रूज, उससे समझौता करके भारत के अग्रिय क्रूज को ये लॉन्च किया है। जैसे बहुत सारे क्रूज होते हैं विदेश के भी, भारत में क्रूज है जैसे जलेस है, जलेस भी विदेशी क्रूज है जो भारत में ही लोगों को पर्यटकों को सैर कराती है। बहुत तरह की क्रूज है, पंपा है, अजमरा है, राजदूत है, ये सभी तरह के क्रूज का नाम है। और इसी तरह के क्रूज से शाहरुख खान का बेटा
आर्यन खान को ड्रग्स मामले में इसी तरह के क्रूज से गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि क्रूज क्या है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।